स्थिति सकर्य मूलाहि सर्वेषामपि सनते सजातीनां सुखं दृष्ट्वा केना धावन्ति जन्तवः निर्गतिनां च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः किञ्चिञ्छं ते कर्तुं जाठ्रे नायपि वहनिना। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? मतलब बच्चों, मैं रोहित आर्ट्स क्लास से रोहित सर, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाटलिपुत्र वैभवम का ऑब्जेक्टिव किए थे। अगला जो इस पार्ट में हम लोग इस वीडियो में जो है हम लोग करने वाले हैं तीसरा जो है चैप्टर आलस कथा। सेकेंड चैप्टर कर चुके हैं, थर्ड चैप्टर कर रहे हैं। अगर आप जो है वह वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका संस्कृत ऑल ऑब्जेक्टिव जो है संस्कृत क्लास टेंथ। इस प्रकार से जो है प्लेलिस्ट आप वहां से जाकर देख लीजिए। और अगर आप जो है पूरा प्लेलिस्ट का जो है देख लेते हैं तो आपका 100% सारा क्वेश्चन जो है आपका दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, चलते हैं, चलिए आइए। कथा है आलस कथा, चैप्टर का नाम है आलस कथा। घर में लगी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग जो है पलायमान हो गए। मतलब घर में जो आग लगा था, अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो याद होगा आपको, अगर नहीं पढ़े तो आप जो है संस्कृत का प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें पूरा पढ़ाया गया। ये ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट है जिसमें पढ़ रहे हैं आप। और अगले जो है एक और जो है आपका प्लेलिस्ट बना हुआ, उस प्लेलिस्ट का नाम है संस्कृत क्लास टेंथ 2024। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वहाँ जाके टेंथ संस्कृत 2024 इस प्रकार से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप इसका वीडियो देख सकते हैं जो पढ़ाएं, बहुत मजा आएगा। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग भाग गए, पलायमान हो गए? तो आलसी लोग, समझदार लोग, धूर्त फुर्तीले लोग, धूर्त लोग। तो जो भागा था कौन भागा था? तो धूर्त लोग भाग गया था, धूर्त लोग जो है भाग गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था? कैसे बाहर किया गया था इन चारों आलसी, चार जो है आलसी था, आलस कथा पढ़े होंगे तो उसमें चार आलसी था, और उस सबको बाहर कैसे किया गया? पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के, केस पकड़ के, बाँह पकड़ के। देखिए कितना जगह दिया है, आप बुतरू कन्फ्यूज हो जाएगा। तो इस सबको जो है निकाला गया था केस पकड़ के, ऐसे जो है नहीं पढ़ लेगा वो कहेगा कभी भी किसी को घर से बाहर निकालते हैं तो क्या पकड़ के? हाथ पकड़ के, नहीं तो कते दिमाग है पैर पकड़ के, कते कहेगा बाँह पकड़ के, लेकिन बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? केस पकड़ के। चलिए अगला क्वेश्चन में आइए, बनावटी आलस को दिखाकर जो है कौन भोजन ग्रहण करता है? बनावटी आलस को दिखाकर जो है कौन भोजन ग्रहण करता है? तो बनावटी आलस को दिखाकर कौन? विद्वान, मूर्ख, धूर्त, जानकार। तो बनावटी आलस को, कृत्रिम आलस को दिखाकर धूर्त लोग अपना जो है भोजन ग्रहण कर रहा था। अगला क्वेश्चन, आलस साला में लगी आग को देखकर कौन जो है भाग गए? आलस साला में जब आग लगा तो कौन भाग गया? आलसी भाग गया कि धूर्त भाग गया, अधिकारी भाग गया कि नौकर भाग गया? तो आलस साला में आग लगी देखकर जो है धूर्त लोग सभी भाग गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि आलस साला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? आलस साला में जब आग लगा फिर भी लोग नहीं भागे तो कितने लोग थे? 3, 5, 4, 6, बताइए जल्दी से कमेंट में। तो आपका चार जो है नहीं भागा था, चार गो आग लगा तब पर भी नहीं भागा था। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? और बहुत जोरों से भी भूख लग जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकता, कौन? तो आलसी, निर्बल, सच्चरित्र, उसके बाद निर्धन। गरीब से गरीब आदमी, लंगड़ा से लंगड़ा, लूला से लूला, पगला से पगला आदमी भी जो है खाना के लिए क्या करता है? भीख मांगता है, किसी से जो है किसी तरह से पेट भरता है। लेकिन आलसी इतना लाचार होता है कि कितनों को उसके भूख लगे वो पेट कुहानिए जो है नमक मिर्चा पानी जो है डबका के जैसे भी हो पेट कुहानिए पानी सूख पी के जो है सूतल रहेगा, लेकिन खाना पका के वो खा नहीं सकता है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? आलसी हुआ। अगला क्वेश्चन, स्थिति सकर्य मूलाहि सर्वेषामपि सनते सजातीनां सुखं दृष्ट्वा केना धावन्ति जन्तवः। कथा है किस प्रकार से पंक्ति है, यह जो है उक्ति है किस पाठ से संकलित है? यहाँ पर खाली स्थान हम पूरा बोले, ठीक ना? तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आलस कथा से आया है। चैप्टर पढ़िएगा तो दिमाग में छप जाएगा, चैप्टर आप जाके एक बार देख लीजिएगा। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो क्षमा, उसके बाद आलस, क्रोध, उसके बाद लोभ। तो मानव का जो बड़ा शत्रु है वो क्या है? आलस। अगर आप आलस करते हैं तो आपका वो विनाश कर देगा। शत्रु के मतलब हुआ विनाश करने वाला, वो आपका दोस्त भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, आपका घर वाला भी हो सकता है,
मतलब जो आपके विकास को रोक दे वो शत्रु है। ऐसा नहीं कि जो है लड़ाई करे वही शत्रु केवल, जो आपके विकास में बाधा बने, आपको आगे बढ़ने से रोक दे, काहे ना आपका भाई हो, बहन हो, माता पिता कोई भी हो, वह समझिए आपका क्या है, शत्रु है, दुश्मन है। अगला देखिए, आलस कथा के रचयिता कौन है? तो आपका आलस कथा के रचयिता कालिदास, विद्यापति, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित। नारायण पंडित बताइए कौन है? तो नारायण पंडित जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? विद्यापति। आलस कथा के जो लेखक हैं विद्यापति। अगला क्वेश्चन, आलस कथा कहाँ से संकलित है? आलस कथा कहाँ से लिया गया? अग्नि पुराण, विष्णु परीक्षा, रामायण से, महाभारत से। तो ये लिया गया है पुरुष परीक्षा से, पुरुष परीक्षा से। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन देखिए कहता है बृहस्वर कौन था? बृहस्वर कौन था? तो मिथिला का राजा था, मिथिला का मंत्री था, मिथिला का राजकुमार था, और मिथिला का आपका क्या था? मिथिला का राजा था, मिथिला का मंत्री था, मिथिला का राजकुमार था, मिथिला का यहाँ पर संतरी कर दिया है, मिथिला का संत था, ठीक ना, ये हटा दीजिए, मिथिला का संत था। बताइए तो क्या था? तो बृहस्वर जो था कौन था? तो मिथिला का यह मंत्री था, मिथिला का क्या था? मंत्री था। अगला क्वेश्चन देखिए, नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? नीतिकार जो है आलस को क्या मानते हैं? नीतिकार मतलब ज्ञानी लोग, ज्ञानी लोग आलस को क्या मानते हैं? तो ज्ञानी लोग जो है आलस को शत्रु मानते हैं, दुश्मन मानते हैं, ठीक है, आलस नहीं करना चाहिए, शत्रु है हम लोगों का ये। बृहस्वर कौन था? बृहस्वर कौन था? तो ईमानदार, भ्रष्ट, दानशील और उसके बाद धनी। तो जो है बृहस्वर कैसा था? तो बृहस्वर जो था कैसा था? बुआ दानशील था। कैसा था? दानशील था। अगला क्वेश्चन में आइए, धूर्त लोग कृत्रिम आलस को दिखाकर क्या ग्रहण करता है? तो धूर्त लोग जो है कृत्रिम आलस को दिखाकर क्या ग्रहण कर रहा था? भोजन। क्या ग्रहण कर रहा था? भोजन ग्रहण कर रहा था। अगला क्वेश्चन, बृहस्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? बृहस्वर नाम का जो मंत्री था कहाँ रहता था? पाटलिपुत्र में, मिथिला में, जनकपुर में, अयोध्या में। तो मिथिला में रहता था। जल्दी से कमेंट आप लोग करिए, हमसे पहले आप जो है जवाब दीजिए। चलिए फटाफट आगे, अगला क्वेश्चन, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? मतलब दयालु के बिना किसका गति नहीं है? अगर दयावान नहीं हो तो वो मर जाएगा, तो कौन? तो आपका धूर्त की, पतितों की, बचालों की, आलसियों की। तो कारुणिक के बिना जो है गति किसकी नहीं है? तो आलसियों की गति नहीं है। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला कहता है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसशाला में आग जो है क्यों लगाई गई? तो आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा के लिए, उसके बाद आलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, और इनमें से किसी के लिए नहीं। तो आलसशाला में जो आग लगाया था क्यों? तो आलसियों को परीक्षा करने के लिए ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला कहता है कि चारों आलसियों को घर से बाहर कौन निकालता है? तो चारों आलसियों को घर से बाहर नियोगी पुरुष, राजपुरुष, उसके बाद बृहस्वर, ए बी। तो चारों आलसी को वहाँ पर जो नियुक्त पुरुष रहता है, जो कर्मचारी रहता है, वही कसिया पकड़ के घींच के बाहर करता है। तो आंसर हो जाएगा क्या? नियोगी पुरुष। अगला क्वेश्चन में आइए, स्त्रियों की गति कौन होता है? मतलब स्त्रियों को जो है पालन पोषण, उसकी रक्षा करने वाला कौन होता है? तो उसका पति होता है, उसका पति होता है। श्लोक उसमें आया था, गति गतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जन्नी गति ना काचिलोके कारुणिकम बिना नालसा नाम काचिलोके कारुणिकम बिना। तो उसमें बताया गया था कि स्त्रियों की गति पति, बच्चों की गति माँ, और आलसियों की गति दयावान। तो इसका आंसर हो जाएगा पति। अगला क्वेश्चन में आइए, बच्चों की गति कौन होता है? देखिए आ गया, बच्चों की गति कौन होता है? तो बच्चों की गति जो होती है माता होती है, मतलब उसका पालन पोषण करने वाली, उसकी रक्षा करने वाली कौन होती है? माँ होती है। अगला क्वेश्चन में आइए, मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला के मंत्री कौन था? तो मिथिला का मंत्री जो आपका था कौन था? बृहस्वर। कई बार तो घुमा के पूछ चुका है, बृहस्वर। अगला क्वेश्चन में आइए, मैथिल कवि कौन था? मिथिला के कवि कौन थे? भास, कालिदास, विद्यापति, नारायण पंडित। तो मिथिला के जो कवि थे कौन थे, कमेंट में बताइए जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यापति थे। अगला क्वेश्चन, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध
प्रसिद्ध था। कौन जो है मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध था, मिथिला भाषा में बहुत सुंदर गाने वाले कौन थे, तो प्रसिद्ध थे आपका कौन, विद्यापति, विद्यापति। अगला क्वेश्चन में आइए, जंतु किसके सुख को देखकर, जंतु किसके सुख को देखकर दौड़ता हुआ जाता है, जंतु जो है किसके सुख को देखकर जो है दौड़ता हुआ जाता है, अगर कोई सुख देखा तो भी दौड़ जाता है, तो सजाति नाम सुख, विजाति नाम सुख, निर्गति नाम सुख, धार्मिका नाम सुख। तो सजाति नाम सुख हम दृष्टवा सा जो है अपने जातियों के सुख को देखकर दौड़ता हुआ जाता है। अगर आप विद्यार्थी हैं, कहीं पता चले कि जो है जो भी बच्चा दसवां में पढ़ रहा है उसको जो है फलाने जगह फलने ट्यूशन में फ्री में बुक मिल रहा है, उसके बाद पता चले कि कॉपी फ्री मिल रहा है, दौड़ल जाइएगा लाने के लिए, तो वही हुआ अपने जाति के सुख को देख कर। अगला, निर्गति नाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरे नायपि वहनिना, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, मतलब लाइको शेट ठोक दीजिए महाकाल का, तबा के लाइको शेट ठोक दीजिए पाठ। तो ये जो हम श्लोक पढ़े कौन सा चैप्टर से लिया गया है, तो ये लिया गया आपका आलस कथा से, सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए चैप्टर आप जाकर एक बार क्या कर लीजिए, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पतिरेव गति स्त्री नाम, पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जन्नी गति नालसा नाम काचिलो के कारुणिकम बिना, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है, तो यह जो है संकलित आपका किससे है, तो आलस कथा से, बी हो जाएगा इसका आंसर, आलस कथा। वहां देखिए बी इधर है, थोड़ा सा टाइपिंग में इधर उधर कर दिया है। अगला क्वेश्चन में ये अगला कहता है कि आलस कथा पाठ, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया, आलस कथा पाठ में जो है जवाब दीजिए, तो आलस नामक दोष का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हमसे पहले कोशिश करिए एकदम कमेंट में जवाब दीजिए, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन जो है भोजन कराते थे, तो गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन करवा रहा था, तो बीरेश्वर करवा रहा था, बीरेश्वर बुआ। अगला क्वेश्चन में आइए, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, तो मनुष्य को जो है आलस जो है नष्ट कर देता है, क्योंकि यह दुश्मन है, शत्रु है, और शत्रु जो है नष्ट जो कर रहा है तुमको वही तुम्हारा शत्रु है, तो आलस क्या है, शत्रु है, तो आलस नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, किस चीज का हल्ला है, यह किसने कहा था, जब हल्ला हुआ था तब पूछ एक बोलता है कि किस चीज का हल्ला, तो यह बात जो बोला था पहला आलसी बोला था, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ए। अगला क्वेश्चन अगला है, लगता है घर में आग लग गई है, किसने कहा था, तो यह जो बोलता है ये दूसरा बोलता है, तो द्वितीय पुरुष, दूसरा पुरुष जो है बोलता है कि लगता है घर में क्या लग गया है, आग लग गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, तो आलसियों को अन्न और वस्त्र कौन देता था, तो आपका बीरेश्वर देता था, कौन देता था बुआ, बीरेश्वर। अगला क्वेश्चन देखिए, आलसी पुरुष कितने थे, दो तीन चार, उसके बाद यहाँ पर छह कर लीजिए, बताइए आलसी पुरुष कितने थे, तो आलसी पुरुष कितने थे, चार थे, कितने थे बुआ, चार थे। अगला क्वेश्चन आइए, आगे कहता है, आलस कथा पाठ में किसके महत्व का, किसके महत्व का वर्णन किया गया है, मानव के गुण का, पशु के गुण का, देवता के गुण का, उपयुक्त कोई नहीं, तो आलस कथा में मानव के गुणों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भींगे चटाई से हम लोगों को ढक दे, यहाँ पर से होगा, देखिए सी कर दिया, पानी से भींगे हुए चटाई से, जब आग लगा था तो आग जो है बढ़ रहा था और घर में गिर रहा था, तो चौथा बोलता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं जो हम लोग को पानी से भींगे हुए चटाई से ढक दे, तो ये बात जो बोला था, ये बात जो है कौन बोलता है, तीसरा बोलता है, पहला बोलता है किस चीज़ का हल्ला है, दूसरा बोलता है लगता है इस घर में आग लग गया, तब तीसरा बोलता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं जो हम लोग को पानी से भींगा के ढक दे ताकि अगिया भी गिरे ना तो हम लोग जले उले नहीं, सोचो कितना आलसी था। और चौथा क्या बोलता है कि अरे बाचाल कितने बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आ गया वही क्वेश्चन देखिए, अरे बाचाल कितने बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो, कितने बोलते हो, चुप नहीं रह सकते, किसने कहा था,
तो ये जो है आपका कौन कहा था, तो आपका चतुर्थ पुरुष। चौथा व्यक्ति कहता है कि अरे बचाल कितने बोलते हो, चुप नहीं रह सकते हो, जब नींद में कोई रहता है तो उसको अगर जगाएगा तो दिक्कत हो। इस प्रकार से देखिए हमारा ये चैप्टर में टोटल आपका 35 क्वेश्चन हुआ। अगर आप 35 में 35 क्वेश्चन अगर सही से अगर पढ़ लेते हैं तो आपका 100% एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगले पार्ट में हम लोग करेंगे संस्कृत साहित्य लेखिका। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए।